तो ये देखिए दोस्तों, हमारे जो रसगुल्ले हैं वो कितने बढ़िया लग रहे हैं देखने में। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हैं और बहुत ही ज़्यादा मतलब चाशनी इसके अंदर पूरी अच्छे से भर चुकी है। ये देखिए मैं आपको बिल्कुल अच्छे से करके दिखा रहा हूँ, फिर भी ये बिल्कुल भी नहीं टूट रहे। इसको दोबारा से मैं इसमें डाल रहा हूँ, वापस से इसमें चाशनी भर जाती है। और देखिए ये, इसको मैं दोबारा से अंदर डालूँगा और दोबारा से चाशनी इसके अंदर भर जाएगी। बिल्कुल परफेक्टली बने हैं, तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। कुछ लोगों के मेरे पास कमेंट आए थे जिसमें उन्होंने बताया कि हमारे जो रसगुल्ले हैं वो फट जाते हैं और चाशनी में डालते हैं तो वो फूलते नहीं, टूट जाते हैं। तो इन्हीं सभी प्रॉब्लम्स का सलूशन लेके आया हूं मैं इस वीडियो को, लास्ट तक देखते रहिए। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। लास्ट में मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊँगा जिससे आप अगर पहली बार भी बना रहे हो रसगुल्ले तब भी आपके बिल्कुल परफेक्ट ही बनेंगे। तो यहाँ पे हम मैंने लिया है दूध, गाय का दूध आपने लेना है। यहाँ पे मैंने 2 किलो गाय का दूध लिया है। तो इसको अच्छे से हमने एक बार उबाल लेना है। एक बार उबाल आने तक का हम इसको वेट करेंगे और उबाल आने के बाद इसको हम दूध को फाड़ेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो दूध है वो उबल चुका है। बहुत ही क्लीन के साथ आप ये काम करें, बहुत ही सफाई के साथ आपने बहुत अच्छे से परफेक्टली इसको वर्क करना है। और यहाँ पे मैंने एक कटोरी ली है, कटोरी में मैंने डाला है इसको फाड़ने के लिए। तो यहाँ पे बोतल में मैंने विनेगर और पानी को मिक्स करके रखा हुआ है मैंने। तो विनेगर से ओनली विनेगर का यूज़ इसलिए नहीं करते, पानी के साथ मिला के करते हैं ताकि एक ही बार में दूध को झटका ना लगे। मतलब एक ही बार में अगर बहुत ज़्यादा खट्टा डाल दोगे तो उसमें एक ही बार में दूध को झटका लगेगा। तो अगर हम इसमें थोड़ा थोड़ा मतलब पानी और थोड़ा विनेगर डाल के अगर हम यूज़ करेंगे, मतलब आप 1-2 चम्मच विनेगर डाल सकते हो और 2-3 चम्मच पानी डाल सकते हो। तो यहाँ पे मैंने विनेगर और पानी का जो मिक्सचर है दूध में डालना स्टार्ट कर दिया है। तो गर्म गर्म दूध को ही हम बिल्कुल अच्छे से फाड़ेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो दूध है वो फटना स्टार्ट हो चुका है, मैंने इसमें डाल दिया। अब इसमें पानी मिलाने का यही फ़ायदा होता है कि अगर इसमें थोड़ा बहुत ज़्यादा भी हमने विनेगर डाल दिया तो भी कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो भी अच्छे से ही फट जाएगा ये बिल्कुल। मतलब तब भी हमारा कोई भी ख़राब होने वाला चीज़ नहीं है, मतलब अगर ज़्यादा भी पड़ गया थोड़ा सा तो, क्योंकि इसमें ऑलरेडी पानी मिक्स है तो ये ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता थोड़ा बहुत। अब इसके बाद हम इस पानी को अच्छे से छान लेंगे। तो मैंने यह इस टाइप की टोकरी ली है, मेरे घर में थी, और कोई छन्नी अगर आपके पास हो स्टेनर वगैरह तो आप उसका यूज़ कर सकते हो। बाकी मैंने यहाँ पर एक कपड़ा मलमल का, जो हलवाई लोग यूज़ करते हैं आप लोग जानते ही होंगे, तो यहाँ पे मैंने हलवाई वाला मलमल का कपड़ा यहाँ पे मैंने डाल दिया है और उसके ऊपर मैंने अपना जो दूध है वो पलट दिया है। तो इसको मैंने पानी फेंकने के बाद, मैंने थोड़ा अभी बहुत ज़्यादा गर्म है पनीर तो इसको मैं थोड़ा सा धो इसलिए रहा हूँ ताकि विनेगर का जो टेस्ट है वो निकल जाए। तो विनेगर का जो खट्टापन है वो थोड़ा सा इसमें से निकल जाए, नहीं तो टेस्ट वो उससे ख़राब होता है थोड़ा सा। तो इसको हम जल्दी से जल्दी थोड़ा सा निचोड़ लेंगे, तो इसको ज़्यादा देर तक टांगने की ज़रूरत नहीं होती। तो इसको हम अच्छे से मतलब हाथ से ही थोड़ा सा करके, इसको थोड़ा सा मॉइस्चर रहना चाहिए, हमने बहुत ज़्यादा नहीं निचोड़ देना इसको, मतलब जितना हो सके पानी आप निकाल दीजिए। तो यहाँ पे सारा पानी हमने निकाल दिया है, अब इसको हम अब किसी बर्तन में निकाल लेंगे ऐसे। तो इसको हम अपने हाथों से बिल्कुल अच्छे से मैश करेंगे। तो ये जब तक मेरे साथ मेरे भाई है तो वो मैश कर रहा है, तब तक मैं शुगर सिरप बनाने जा रहा हूँ, तब तक मैं शुगर सिरप रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ शुगर सिरप के लिए मैंने यहाँ पे 600 ग्राम शुगर का यूज़ किया है। तो यहाँ पे देखिए मैश हो चुका है और बाकी 600 ग्राम का शुगर मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। तो 600 ग्राम शुगर के लिए मैंने यहाँ पे 300 ml पानी डाला है इसमें। तो यहाँ पे अब 600 ग्राम में शुगर डाल दूँगा। तो ये देखिए जो हमारा जो पानी है वो उबलना स्टार्ट हो चुका है धीरे धीरे। अब इसको हम अच्छे से हिलाते रहेंगे ताकि ये बिल्कुल जले ना, और बिल्कुल अच्छे से परफेक्टली हम इसको करेंगे। तो हमारी चाशनी अभी थोड़ी कम लग रही है, मैंने अभी 600 ग्राम पूरा डाला नहीं है, मैं पूरा 600 ग्राम इसमें डाल दिया मैंने। अब पानी भी पूरा मैं 300 ml तक पूरा कर दूंगा इसमें। तो ये जो हमारी चाशनी है ये अब इसको उबाल आने तक का हम इसका वेट करेंगे, और इसको बीच बीच में आप हिलाते रहिए ताकि इसके नीचे वो जले ना, चाशनी वो जले ना। और ये देखिए हमारी जो चाशनी है वो उबल चुकी है।
ये बिल्कुल भी मतलब ज़्यादा गाढ़ी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर आप, जैसा मैंने बताया कि जितना आपके पास शुगर है और उसका हाफ अगर पानी यूज़ करते हो तो आपका ये बिल्कुल परफेक्ट ही बनेगा। तो यहाँ पे हमारे शुगर सिरप रेडी हो चुका है बन के, तो अब हम अपना पनीर देखते हैं क्या हाल है मेरे पनीर का। तो यहाँ पर पनीर रेडी हो चुका है हमारा। अब इसके हम छोटे छोटे टुकड़े हम कर लेंगे। यहाँ पर मैंने टुकड़े करना स्टार्ट कर दिया है। तो ये देखिए, हम इतने छोटे छोटे बॉल्स बनाएंगे क्योंकि ये स्पंजी रसगुल्ले हैं तो ये बहुत ही बड़े हो जाते हैं फूल के। तो यहाँ पे छोटे छोटे मैंने टुकड़े तोड़ लिए हैं। देखिए जिस हिसाब से मैं तोड़ रहा हूँ उस हिसाब से आपको देख के लग ही रहा होगा कि मैं मतलब प्रोफेशनल शेफ़ हूँ या फिर नहीं, आप देख के समझ ही गए होंगे। तो यहाँ पे हमने सारे पीसेस रेडी कर लिए। बहुत सारे लोगों ने, आपने देखा होगा बहुत सारे वीडियोस में, कि कई तो रसगुल्ले जो ऐसे होते हैं वो टूट जाते हैं और चाशनी में बिखर जाते हैं। तो हमारा ऐसा कुछ नहीं होगा, हमने बिल्कुल परफेक्टली बनाया है। तो मैंने इसे बहुत ज़्यादा बार ट्राई किया है और मैं बहुत ज़्यादा बनाता भी रहता हूँ यहाँ पर डेली। तो अब मैं अपने ये पीसेस गिन लेता हूँ। तो हमारे पास वो टोटली 18 पीसेज हैं, तो हमारे पास लास्ट तक 18 ही रहने वाले हैं, एक भी पीस टूटेगा नहीं। तो हम इसको बिल्कुल राउंड अपना बिल्कुल अच्छे से गोलियां बना लेंगे। इसके शाइनिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, मतलब कोई क्रैकिंग ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। क्रैकिंग तो वैसे थोड़े बहुत होंगे लेकिन ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कम से कम कोशिश करना कि क्रैकिंग कम से कम हो, मतलब शाइनिंग अच्छी आएगी तो बहुत ही मतलब देखने में अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे हमने सारे गोलियाँ जो रेडी कर लिए हैं, सारे पीसेस हमारे रेडी है। तो अब हम शुगर सिरप की तरफ चलते हैं। हमारा जो शुगर सिरप है ये उबल चुका है, तो हमारा शुगर सिरप रेडी है। अब इसमें अपने सारे रसगुल्ले हैं तो हम इसमें डाल देंगे। तो ये एक एक करके मैंने यहाँ पे सारे रसगुल्ले डालना स्टार्ट कर दिए हैं। ये देखिए, ये ध्यान रखना कि आपकी चाशनी जो है वो उबलती रहनी चाहिए, बिल्कुल मतलब लो फ्लेम पे मत करना, मीडियम फ्लेम कर लेना ताकि उबलती रहे हमारी जो चाशनी है। अब इसके बाद जब हम इसको कवर करेंगे तो उसके बाद हाई फ्लेम पे आपने कर देना है इसको थोड़ा सा। अब हाई फ्लेम पे हम गैस को कर देंगे ताकि इसमें झाग बनना चाहिए। झाग बनने के लिए लोग, हलवाई जो लोग होते हैं, हलवाई इसके अंदर रीठे का यूज़ करते हैं। तो हमने यहाँ पे कुछ ज़्यादा यूज़ नहीं किया है, तो हमने कोई भी केमिकल यूज़ नहीं किया। तो अगर आप इसको ढक्कन से कवर कर देंगे तो झाग वैसे ही बन जाएगा, रीठे का यूज़ करने की जब कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे मैंने ढक्कन से कवर कर दिया है तो झाग बनना स्टार्ट हो चुका है। अगर आपको यहाँ पर झाग नहीं बनता है तो रीठे का यूज़ कर सकते हो। बाकी मैं आपको लास्ट में बताऊँगा कि रीठे होता क्या है और कैसे मिलेगा। तो ये हमारे जो रसगुल्ले हैं फूल के, लगता है काफ़ी बड़े हो गए हैं। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं, एक बार चेक करते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। अभी थोड़ी देर के लिए कवर कर देते हैं। तो करीब ये 15 से 20 मिनट आपको लगेंगे इसको पकाने में। तो यहाँ पे हमारे जो हाफ डन हो चुका है, यहाँ पे मतलब आधे पक चुके हैं। यहाँ पे हम थोड़ा सा पानी डाल के देखेंगे। पानी क्यों डालते हैं आप, मैं अभी आपको बताता हूँ। यहाँ पे चाशनी उबल उबल के बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है, तो चाशनी को थोड़ी सी पतला करने के लिए हम यहाँ पे पानी का यूज़ करते हैं। तो पानी हम वापस से डाल देंगे। तो हमारी जो चाशनी है थोड़ा थोड़ा डालना है, जैसे मैं डाल रहा हूँ इसी हिसाब से आपने डालना है। तो हमारी जो चाशनी है वो थोड़ी सी पतली हो जाएगी। जैसी थोड़ी सी चाशनी पतली होगी तो रसगुल्ले के अंदर और भी ज़्यादा चाशनी भर जाएगी और रसगुल्ला जो हमारा है वो और भी ज़्यादा फूल जाएगा। तो देखिए हमारा जो रसगुल्ला है फूलता ही जा रहा है और यहाँ पर हिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही मुझे, ये रसगुल्ले अपने आप इसी के अंदर घूम रहे हैं। तो मुझे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, बिल्कुल परफेक्टली पक रहे हैं। तो पक जाएगा, ये पक गया ये आपको कैसे पता चलेगा, यहाँ पे 2-3 बार पानी का यूज़ करना। जैसे आप लोग देख रहे होंगे जो रसगुल्ले हमारे जो पूरे के पूरे डूबे नहीं हुए हैं, ऊपर फ्लोट कर रहे हैं, मतलब आधा ऊपर है और आधा नीचे डूबा हुआ है। तो ये जब तक पूरा नीचे नहीं डूब जाते तब तक समझ लो ये कच्चे हैं। तो ये देखिए हमारा जो 15 से 20 मिनट बाद हमारे जो रसगुल्ले हैं पूरा नीचे डूब चुका है और हमने गैस के फ्लेम को बंद कर दिया है। तो जैसे पूरा का पूरा नीचे डूब जाए चाशनी में, तो समझ लीजिए कि आपके रसगुल्ले बिल्कुल पक चुके हैं और आप पीसेस गिन सकते हो। एक भी पीस टूटा नहीं है, कोई भी छोटे छोटे पीस जो मतलब ऐसे नहीं है कि चाशनी में बिखरे हुए हैं, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, हमारे बिल्कुल परफेक्ट ही बने हैं। देखिए
तो इस तरह से बनाते हैं हलवाई जो होते हैं, इस तरह से बनाते हैं। तो हमारे घर में सब हलवाई ही हैं, तो इसीलिए परफेक्ट ही बनता है हमारे घर में सब कुछ। तो देखा दोस्तों, हमारा एक भी रसगुल्ला नहीं टूटा। और इसमें मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बहुत सारी मतलब कई एक दो दो तीन ट्रिक आपको बताऊंगा कि क्यों नहीं टूटता रसगुल्ला और क्या क्या हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए तो हमारा जो रसगुल्ला है वो परफेक्ट बनेगा। तो आपको जो पहली बात का ध्यान रखना है वो सबसे पहले ये देखना, जब आप दूध उबाल रहे होते हो तो दूध बहुत ज़्यादा गर्म होता है और गर्म गर्म को ही दूध को हम बिल्कुल अच्छे से फाड़ देते हैं। तो जो दूध हम फाड़ देते हैं तो फाड़ने के बाद हम कई बार लटका देते हैं कहीं पे पानी निकलने के लिए। कई यूट्यूबर्स बताते हैं कि उसको लटका दो, उसको लटकाना नहीं होता, उसको जल्दी से जल्दी पानी उसका निचोड़ के उसको गर्म गर्म में ही गोलियां बनाई जाती है उसकी। अगर गोलियां बनाओगे तो वो बहुत ही परफेक्ट बनेंगे। सबसे पहली बात का तो ये आपने ध्यान रखना कि गर्म गर्म ही बनाना है, ज़्यादा उसको ठंडा नहीं होने देना पनीर को। और दूसरी बात यह है कि इसमें जब आप कवर करते हो, ढक्कन लगाते हो उस कढ़ाई के ऊपर, तो उसमें क्या होता है कि अंदर झाग बनना चाहिए। तो अगर झाग नहीं बनता तो एक रीठा आता है, रीठे को आप यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मैंने भी थोड़ा सा किया था, बस इसमें मैंने आपको इसलिए नहीं बताया, आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि इसमें ढक्कन लगाने से झाग ऑलरेडी बन ही जाता है। तो अगर झाग नहीं बनता तो आप रीठे का यूज़ कर सकते हो। तो जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है रीठा। मैंने यहाँ पे ग्लास में करके यूज़ किया है। ये देखिए, ये रीठे होते हैं। रीठे को तोड़ के पानी में डाल के गर्म कर लेना है पानी को, और उसी का पानी थोड़ा सा उसी चाशनी में डाल देना, तो वो बिल्कुल ही परफेक्टली बहुत ज़्यादा झाग बना देगा आपका। जो चाशनी में है वो बहुत ज़्यादा झाग बन जाएगा। तो अगर झाग बनेगा तो वो रसगुल्ले जो सारे कवर्ड रहेंगे बिल्कुल अच्छे से अंदर, तो कवर्ड रहेंगे तो बहुत ही जल्दी पक जाएंगे वो। तो जो आपने तीसरी बात का ध्यान रखना है, जब रसगुल्ले आपके जब आधे पक चुके होते हैं तो उसके बाद जो चाशनी उबल उबल के गाढ़ी हो जाती है तो उस चाशनी में थोड़ा सा पानी डाला जाता है। जैसे आपने देखा था कि मैंने पैन से पानी डाला था थोड़ा सा, तो वो पानी इसीलिए डाला जाता है जो चाशनी हमारी है वो थोड़ी सी पतली हो जाए। जैसे ही हमारी चाशनी थोड़ी सी पतली हो जाएगी तो उसके अंदर रसगुल्ले के अंदर और भी ज़्यादा चाशनी भर जाएगी और हमारा जो रसगुल्ला है वो और ज़्यादा फूल जाएगा। तो जितना ज़्यादा फूला हुआ होता है उतनी ज़्यादा अंदर जाली सी बनी होती है बहुत ही, और सॉफ्ट बनता है उसी हिसाब से। जितना ज़्यादा फूलता है उतना ज़्यादा सॉफ्ट बनता है। तो ये बात आपने ध्यान, फोर्थ बात का आपने ये ध्यान रखना है कि जो आपकी चाशनी है वो स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं होनी चाहिए। जितना मैंने पानी बताया है और जितना मैंने शुगर बताया है, यानी कि आप जितना भी शुगर यूज़ कर रहे हो उसका आधा आपने पानी लेना है। यानी कि अगर आप 1 किलो चीनी डाल रहे हो तो उसका 500 ग्राम पानी लेना है बस। तो गाइस, अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं आपको सारे सीक्रेट्स हलवाई वाले ज़रूर बताऊंगा।